आदरणीय सभापति जी, इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टिकरण की राजनीति भी देखी। हमारी नीयत, हमारी निष्ठा, उस पर देश की जनता ने भरोसा किया है। आदरणीय सभापति जी, इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टिकरण की राजनीति भी देखी। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टिकरण का गवर्नेंस का मॉडल भी देखा। देश ने पहली बार सेक्युलरिज्म का एक पूरा, हमने जो प्रयास किया और वो हमने तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण और संतुष्टिकरण के विचार को लेकर के हम चले हैं। और जब हम संतुष्टिकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हर योजना का सैचुरेशन, गवर्नेंस की आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की हमारी जो संकल्पना है इसको परिपूर्ण करना। और जब हम सैचुरेशन के सिद्धांत को लेकर चलते हैं तब सैचुरेशन सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय होता है। सैचुरेशन सच्चे अर्थ में सेक्युलरिज्म होता है और उसी को देश की जनता ने हमें तीसरी बार बिठा करके मोहर लगा दी है। आदरणीय सभापति जी, अपीजमेंट ने इस देश को तबाह करके रखा है और इसलिए हमने जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, इस सिद्धांत को लेकर के हम चले हैं। आदरणीय सभापति जी, 10 साल के हमारे कार्य को देखने परखने के बाद भारत की जनता ने हमारा समर्थन किया है। आदरणीय सभापति जी, हमें फिर एक बार 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने का मौका मिला है। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव ने इस बात को सिद्ध किया है कि भारत की जनता कितनी परिपक्व है, भारत की जनता कितने विवेकपूर्ण रूप से और कितने उच्च आदर्शों को लेकर के अपने विवेक का सद्बुद्धि से उपयोग करती है। और उसी का नतीजा है कि आज तीसरी बार हम आपके सामने, देश की जनता के सामने नम्रता पूर्वक सेवा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हमारी नीतियों को देखा है, हमारी नीयत, हमारी निष्ठा, उस पर देश की जनता ने भरोसा किया है।